पर्सनैलिटी के बारे में बनाना शुरू करते हैं, पहले तो आपको ये सोचना होता है कि क्या मैं रखूँ इनकी ज़िंदगी के बारे में और क्या नहीं रखूँ। दूसरी बात ये होती है कि ऑब्वियसली बहुत सारी जनता जो है इसके बारे में जानती है, लेकिन एक यंगर जनरेशन है जो शायद नहीं जानती इनके बारे में। जो स्पीच थी उनकी कि पार्टी रहे या ना रहे, ये भारत जो है वो बहुत अलग है और वो रहना चाहिए। तो ये जो पोर्शंस हैं, आई थिंक द करंट जनरेशन जो शुड डेफिनेटली वॉच। तो एक बहुत सेंस ऑफ प्राइड भी था। आप तो बहुत महान फिल्म मेकर हैं, यू नो यू हैव मेड सो मेनी अवार्ड विनिंग फिल्म्स, तो ये एक अलग चैलेंज था, तो इसके बारे में ज़रूर बताएं। ये नमस्कार, आप सब यहाँ आए हैं ट्रेलर के देखने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ सबको। या ये बहुत बड़ा चैलेंज था, एंड जितना चैलेंज बड़ा होता है उतना काम करने में मज़ा आता है। वो मज़ा ये होता है कि उस चैलेंज को आप कैसे सिंपल करें, उसको डिफ़िकल्ट ना करें, उसको कैसे सिंपल करें। मैं फॉर्चुनेट था, मुझे बहुत अच्छी टीम मिली। विनोद जी जैसे प्रोड्यूसर मेरे साथ खड़े थे, पंकज जी जैसे अभिनेता मेरे सामने खड़े थे। तो ये जो प्रोसेस है, जो डिफ़िकल्ट टास्क को सिंपल बनाने की, वो फर्स्ट टास्क था मेरे माइंड में। दूसरी बात मेरे माइंड में ये थे कि जब मॉनिटर पे मैं हर सीन देखता था, मैं पंकज जी को देखता था, तो मेरे माइंड में एक बात हमेशा ऐसे आती थी कि ये देख के जिनके ऊपर हम फिल्म बना रहे हैं उनको कैसा लगेगा। तो हम सबके माइंड में वो एक हमेशा कॉन्शियसनेस होती थी कि जिस आदमी ने ये ज़िंदगी जी है उनको कैसा लगेगा ये फिल्म देख के, अगर आज वो होते। तो आई थिंक आई एम वेरी श्योर कि जो काम हमसे हुआ है, ये फिल्म अटल जी जहाँ भी होंगे वो देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, ही विल फील वेरी नाइस अबाउट इट, एंड दैट्स अ टास्क जो हमने खुद के मन पे रखा था। एंड तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग थी, वो केवल पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक कलाकार थे, और एज अ कलाकार, एक कलाकार को प्राइम मिनिस्टर बना हुआ देखना हम सब के लिए एज अ कलाकार बहुत प्राउड फील थी। तो ये स्पेशल मोमेंट हम सब के लिए था, हम सब कलाकार, मेरी टीम के जितने भी कलाकार, हम सब कलाकारों ने ऐसे कलाकार के लिए फिल्म बनाई है जो देश का पंतप्रधान बना। तो फैंटास्टिक, आई थिंक इसलिए वो एक दिल से बनी हुई बात है ये, और बहुत ईमानदारी से बनी हुई फिल्म है। लेकिन एक और बड़ा एक मुश्किल पहलू हो जाता है एक फिल्म मेकर के लिए, आप जो भी शूट करते हैं बड़ा प्यार हो जाता है उससे, क्या रखें क्या उसको बाहर निकाले। तो कमाल की बात यह है कि ट्रेलर कट करने में, ये बताइए कितनी दुविधाएं आई। और दूसरा, मैंने सुनने में आया कि फिल्म इज अराउंड 2 hours 10 minutes, दैट इज ऑल्सो इनक्रेडिबल टू हाउ टू पुट दैट। मतलब ये भी आप पहले बता दें कि कितने घंटे आपने एक्चुअली शूट करके दिखाया, फिर चॉपिंग 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 करके ये फाइनल प्रोडक्ट निकाला। इस बारे में भी मैं आई थिंक बहुत फॉर्चुनेट हूँ, बिकॉज पहले से पूरे टीम के माइंड में था कि ये फिल्म की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो उस तरीके से ऋषि जो राइटर है हमारे, तो उस ढंग से ये फिल्म लिखी गई है, पहले से इस तरीके से लिखी गई है कि कल कुछ काटना ना पड़े, क्योंकि क्या होता है कभी काटा तो वो स्टोरी बीच में कट कट हुई लगती है। तो पहले से हम बहुत कॉन्शियस थे कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आज मेरे दो बेटे हैं, आज मेरा एक बेटा 24 साल का है और मेरा बेटा 20 साल का है, मेरे सबसे बड़ी ऑडियंस वो दोनों है। करेक्ट। अगर उन दोनों को लगा कि मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको प्राउड लगा, तो मुझे लगा कि मैं जीत गया ये फिल्म करके। आपने ट्रेलर दिखाया उनको? नहीं, अभी अभी तक आया नहीं है, जैसे आएगा वो उसको डेफिनेट दिखाऊंगा। बट वो ऐसे है कि पापा जल्दी भेजो हमें, चालू हो गया, देख रही है, हमें क्यों नहीं दिखा रहे? ऑलरेडी सोशल में एक घंटा है, आधा घंटा है, वो चालू हो गया है, तो वो लोग डेफिनेटली मोबाइल पे रहेंगे अभी। वंडरफुल। तो आपके साथ मैं स्टेज पर, आपने जिस जेंटलमैन का नाम लिया है, जिसने मेक श्योर किया कि एक भी चीज कटा नहीं है, और यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टीम की बड़ी दाद देना चाहूंगा। अक्सर मैं यहाँ पे स्टेज पर खड़ा रहता हूँ, एंड आई ऑफ कोर्स कॉल द बिगर नेम्स, आई कॉल द एक्टर्स, आई विल कॉल द प्रोड्यूसर्स, आई विल कॉल द डायरेक्टर्स, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि शुरुआती तौर पर मैं राइटर को बुलाता हूँ। सो दैट्स माय बिग कूडोज टू द इंटायर टीम, एंड आई लाइक टू कॉल ऋषि वर्मानी द राइटर ऑफ दिस इंटायर फिल्म, क्योंकि नींव पूरी फिल्म की ये होती है। तो बिग तालियां टू द टीम इटसेल्फ आल्सो, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट दे हैव डन दिस। कैन आई गेट अनदर माइक प्लीज? आई पास ऑन माय माइक। नहीं सर, आप तो रखिए ना। When you see your work in front of you, pehle aap, like I said, you know, I'm really happy to see you on stage here as well. You're as relaxed as you are. Mujhe aisa lagta hai jaise jogging karke ab abhi aa gaye. But when you've seen this trailer now, when you see the work on bada parda, to kuch feeling aati hai? Do you get like, hame wahan pe thode se ek aad emotional moments ho rahe hain? Aapke to, matlab aap hi ka bachcha samne hai, jo sab dekh rahe hain aur phir judgment denge. How do you feel? I'll be very, very honest here. When you see your work, which is executed by Ravi sir and performed by Pankaj ji,
यू आर द लास्ट पर्सन इन योर हेड. यू आर जस्ट वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी लकी टू सी कि जो आपने इमेजिन किया था, जो लिखा था, वो उससे भी अच्छा आपके सामने आया है. सो दैट गिव्स यू अ मोटिवेशन टू डू बेटर द नेक्स्ट टाइम. बिकॉज वॉट आई हैव रिटन एंड वॉट पंकज जी हैज़ डन एंड हाउ रवि सर हैज़ मेड इट, दे हैव टेकन इट टू सेवंथ हेवन. अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं ना, जब ऐसी रिसर्च वाली फिल्में होती हैं, बहुत राइटिंग होती है, बहुत काटाकोटी होती है, देर आर 20 डस्टबिन लाइंग देयर जहाँ ऐसे कट के फेंक दिया जाता है. आर यू दैट काइंड ऑफ राइटर या कम्प्लीटली ऑन द कंप्यूटर एंड जस्ट वेरी क्लीन? वैसे किस तरह इन दिस फिल्म आई थिंक दोज डस्टबिन आर इन रवि सर हाउस. अच्छा. बिकॉज दे डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च. रवि सर एंड हिज टीम डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट लेटर ऑन. बट प्राइमरीली दे वर वेरी क्लियर कि हमें फिल्म की लेंथ, लाइक ही सेड, इतनी ही चाहिए एंड व्हाट ऑल कैन वी अरेंज इन दैट मच ऑफ टाइम. तो मेरे लिए डेफिनेटली एक चीज़ आसान इन्होंने कर दी थी, दैट ही गेव मी अ वेरी क्लियर डायरेक्शन कि इस फिल्म को हमको किस तरीके से दिखाना है. सो आई थिंक माई हाउस इज क्लीनर देन हिज. बट आई थिंक अ मैन हु इज टेकन दिस टू द नेक्स्ट लेवल. और मैं एक्चुअली इनकी जितनी चर्चा करूँ कम है, बिकॉज आई थिंक प्यार आपके लिए सर यूनिवर्सल है फ्रॉम ऑल द जर्नलिस्ट, और ऐसा बहुत कम होता है, कई सालों के बाद होता है. मतलब अगर आप 20 साल बाद भी यहाँ पे एक्टिंग कर रहे होंगे, तब बाय डिफॉल्ट सब आपके वैसे ही प्यारे हो जाते हैं. बट एट द वेरी स्टार्ट ऑफ योर करियर ऑल्सो इतना पसंद करते थे आपको, विच इज़ वेरी वेरी यू नो आई वुड से अननोन. 20 साल मुझे भी हो गए स्टेज पर यहाँ पे. यू हैव रीच द फास्टेस्ट विद दिस मच लव सर. पंकज त्रिपाठी सर के लिए तालियां हो जाए. लेट्स कॉल वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मर्स, नेशनल अवार्ड विनर एंड जस्ट वन ऑफ द प्राइड्स ऑफ द इंडियन एक्टिंग फ्रेटर्निटी. मतलब स्टेज पर तो मैं सारे ही रख लूंगा सर. सर पहले आप जो सारे प्यार देते हैं जर्नलिस्ट को, इनका थोड़ा नमस्ते. शुक्रिया आप सब आए अपने अपने घरों से निकल के हमारा ट्रेलर देखने यहाँ तक. मैं भी भोपाल से आया हूँ तो आप सबसे दूर से ही आया हूँ और फिर वापस भोपाल ही जाऊँगा. सो थैंक यू आने के लिए. जब एक एक्टर अपना परफॉर्मेंस देखता है, ये आपने कई महीने पहले शूट किया, आप शूट करके आगे चले जाते हैं, डायरेक्टर का काम हो जाता है. आप क्या उन एक्टर्स में से हो जो कुछ हर 3 महीने में अपना डायरी देखते हो, अच्छा ये लगता है कंप्लीट होने वाली है, जरा हाय हेलो बोल दिया जाए डायरेक्टर को, कैसा लग रहा है? आप वैसे एक्टर हैं या फिर छोड़ ही देते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट आ गया ठीक है जैसा है वैसा है? मैं छोड़ देता हूँ. अच्छा. मैं बोलता हूँ पब्लिक स्क्रीनिंग के दिन ही मुझे बुलाना, मैं कभी नहीं. थोड़ी सी भी अंदर से वो यू नो वो चाह नहीं होती है कि जानने के लिए? नहीं होती है. मैं शूटिंग के दिन अपना 100% का 200% देता हूँ, जितनी समझ है उस दिन स्क्रिप्ट को लेके, एक्टिंग को लेके. उसके बाद मुझे पता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है शूटिंग डेज के अलावा, फिर मैं छोड़ देता हूँ, मुँह में नहीं पड़ता हूँ. बाकी मुझे पता है ऐसे रवि जी जैसे दिग्दर्शक हैं, निर्देशक हैं, तो ये तो अच्छा बनाएंगे ही. बट ये फिल्म भी एक बहुत अलग फिल्म है. यू नो इट्स आई वुडंट से कि इट्स एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार आ जाती है, लेकिन आप एक हिस्टोरिकल फिगर जिसके बारे में लोग जानते हैं, कुछ लोग ज़्यादा जानते हैं कुछ लोग कम जानते हैं, उसको पोर्ट्रेयल कर रहे हैं. तो फ्रॉम राइट फ्रॉम द मेकअप टू द मैनरिज्म्स, बहुत सारे लोग ऑब्वियसली इसके चर्चा करेंगे, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त भी करेंगे. बट इसके लिए थोड़ा सा एडिड प्रेशर रहता है क्योंकि ऑलमोस्ट एक ब्लूप्रिंट है. करेक्ट. जो फॉलो शायद करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा प्रेशर एक्स्ट्रा था? जी प्रेशर एक्स्ट्रा नहीं था, वो बहुत मुश्किल था तय करना कि कितना मतलब इमिटेशन रखना है, कितनी मिमिक्री रखनी है या नहीं रखनी है, या उनके विचारों को रखना है. क्योंकि जो जो व्यक्ति जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो दस्तावेज बहुत उपलब्ध हो, उस व्यक्ति का रोल करना, फिर ऐसा क्या करें कि लोगों को अगर उनका मूल रूप देखना हो तो स्पीचेज में मिल जाएंगे यूट्यूब पे. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये मुश्किल टास्क था मेरे लिए, और वो फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि हमने क्या प्रयास किया है और उस प्रयास में, उस एक्सपेरिमेंट में हम कितना सफल होते हैं. रवि जी आपसे सवाल. पंकज जी दूर से तो ऐसे दिखते हैं जैसे नमस्कार आ जा बैठ जाते हैं, परफेक्ट लाइन रहती है, परफॉर्मेंस दे देते हैं, कई बार भयानक परफॉर्मेंस देते हैं स्क्रीन पर. ही इज जस्ट ए मैन ऑफ मेनी फेसेस. तो सेट पर ही कैसा माहौल था? मतलब ऐसे टाइप की फिल्म में क्या एकदम टाइट आप सीरियस रहते हैं या कैसा माहौल था सेट पर? मैं बिल्कुल सीरियस नहीं रहता और पंकज जी भी बिल्कुल सीरियस नहीं रहते. अच्छा. फिल्म जितनी नहीं, हम जितनी फिल्म
एक सेकंड, हाँ एक सेकंड करना भैया, चलो चेक। जितनी फिल्म सीरियस होना उतना ही आपके सेट पे माहौल एकदम एक सेकंड सर, आई थिंक वो फ्लिकर हो रहा है, चेक एक सेकंड, या वी विल ट्राई अनदर वन, चेक माइक वर्किंग, हेलो यस इट्स ओके, यस नहीं आ रहा है, नहीं अभी आ रहा है यार। जितनी फिल्म की स्टोरी और ये सीरियस हो उतना ही सेट पे माहौल ज़्यादा हंसी मजाक का होना चाहिए, ऐसे मैं खुद मानता हूँ, पहले से मानता हूँ। तो मैं अब हमारी पूरी टीम, हम लोगों ने बहुत मस्ती की शूट करते वक्त, जब जब कैमरा रोल होता था उस तब मस्ती नहीं, तब वेरी सीरियसली हम लोग उस सीन में जाते थे, बट जैसे ही वो शॉट वो सीन हो जाता था हम नॉर्मल लाइफ जीते थे। और इसीलिए मुझे लगता है ये फिल्म बहुत नेचुरल लगती है, बिकॉज जितनी हम ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे उतनी फिल्म की जो एक नेचर जो होता है फिल्म का, एक नेचुरलिटी जो होती है फिल्म की, वो मिस हो जाती है। तो जितनी हम आसानी से, जितनी हम घर का एक कोई काम कर रहे हैं, कोई अपना अपने लोगों का काम कर रहे हैं, ऐसे समझ के जब हम टीम ने काम किया, इसलिए वो आसानी, वो सिंप्लिसिटी, वो नेचुरलपन जो नैसर्गिक बोलते हैं उसको, वो पर्दे पर दिखता है। मैं हमेशा बोलता हूँ पर्दे पर दिखता है वो, बिल्कुल। एंड आई थिंक यहाँ तो सिर्फ एक्चुअली पंकज जी दिखाई नहीं दे रहे, कैरेक्टर दिखाई दे रहे, दैट्स फैंटास्टिक। कभी आपने ऐसे बोला वाह अच्छा किया मैंने, इसको देख कर ऐसे हुआ क्यों? कभी अंदर से वो अंदर की आवाज़ आती ना, हाँ थोड़ा ठीक मारा है आज, 100 अच्छा लगा है। शूटिंग के दिन नहीं, आप अभी जैसे देखा सर? हाँ देख के अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा। और लगा कि नहीं यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बना है, लास्ट के संवाद में रियली मेरे को भी वो असर हुआ। हाँ तो मुझे करते हुए बोलते